नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान की भारत से एक और हार ने तो मानो पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स की नाक में दम ही कर दिया। हालात ये हैं कि भारतीय जीते हैं तो जश्न तो बनता ही है, फिर पाकिस्तान प्लेयर्स को ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान प्लेयर्स की फजीहत हो रही है। लोग लगातार पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को ट्रोल कर रहे हैं, खासकर इस बात पर कि मैच में जीरो रन बनाकर आउट होने वाले शोएब मलिक भारत पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले अपने टीम, अपने वर्कआउट, अपने खेल पर नहीं बल्कि पार्टी पर फोकस किए हुए थे। मैच से एक दिन पहले का शोएब मलिक का पत्नी सानिया मिर्जा संग एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पार्टी मोड में नजर आ रहे हैं। तो ये बात पाकिस्तान को भला कैसे पचती? लिखते हैं, दामाद हो तो ऐसा जिसके लिए ससुराल से बढ़कर कुछ नहीं। सानिया मिर्जा भी खुश हैं और कई लोगों ने तो शोएब मलिक को संन्यास लेने तक की नसीहत दे डाली। फिर एक ट्विटर यूजर ने तो एक पाकिस्तानी फैन की बैच लिए तस्वीर डाली है। लिखते हैं, इस बल्ले से शोएब मलिक की खूब पिटाई करनी है, सानिया मिर्जा के चक्कर में पहली ही बॉल पर आउट हो जाता है। फिर एक अरुण कुमार शुक्ला नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, पूरे देशवासियों को जीत की बधाई और एक बधाई रिश्तेदार को भी जो पहली ही गेंद पर आउट हो गए। रिश्तेदार मतलब सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक। देश को छोड़कर रिश्तेदारी निभाई है बंदे ने। अब ऐसे ट्वीट्स देखने के बाद तो मानो सानिया मिर्जा के गुस्से का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सानिया ने लिखा, तो यही वो वीडियो है जो तुमने हमारी प्राइवेसी में दखल देकर शूट किया और पूछा तक नहीं, साथ में एक बच्चा होने के बावजूद भी ये किया, और फिर जब तुम्हें ऐसी हरकत करने के लिए मना किया गया तो तुम ये बकवास करने पर उतर आए। जानकारी के लिए बता दूं कि एक डिनर था और अगर खिलाड़ी मैच हार भी जाते हैं तो भी उन्हें बाहर जाने और खाने की आजादी है। बेवकूफों का झुंड है बिल्कुल ही। अगली बार कुछ बढ़िया कंटेंट के साथ कोशिश करना। इतना कहने के बाद सानिया का ध्यान शायद ट्विटर से हटा ही नहीं होगा कि इतने में ही एक ट्रोलर ने उनके पति शोएब मलिक का जीरो पर आउट होने वाला वीडियो निकाल कर ट्विटर पर डाल दिया। लिखते हैं, This made my day. और फिर इस वीडियो को देखकर लोग फिर सानिया मिर्जा और शोएब मलिक को ट्रोल करने लगे। लोग लगातार इस वीडियो को देखकर जोक्स बना रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से इसे साझा कर रहे हैं। इस पर भी सानिया मिर्जा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्रोलर्स को लताड़ते हुए सानिया मिर्जा ने लिखा, कई बार ट्विटर की वजह से हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो जाता है, खासकर कुछ लोगों की वजह से। आप लोगों को अपनी कुंठा निकालने के लिए किसी अन्य माध्यम की जरूरत है। शांत रहिए दोस्तों, अभी ब्रेक का वक्त है। तो देखा आपने कैसे शोएब मलिक के जीरो रन पर आउट होने और मैच से ठीक पहले की रात में उनके पार्टी करने को लेकर उन्हें ट्रोलर्स ने निशाने पर लिया तो सानिया मिर्जा ने अपने ही अंदाज में ट्रोलर्स को जवाब दिया और अपने पति का बचाव किया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में, जहां पर आज हमारे साथ कुलदीप यादव मौजूद है। और कुलदीप यादव इस वक्त पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले दो सालों में भारत के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और अपने लिए उन्होंने इतने बेहतरीन काम किए हैं कि आज जब मैं उनके साथ बैठा हूं तो मुझे आप लोगों को, हमारे क्रिकेट फैंस को, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कुलदीप यादव कौन है। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है इस वक्त पे बहुत बिजी शेड्यूल है, टीम इंडिया बहुत प्रैक्टिस कर रही है, IPL है, वर्ल्ड कप है, कैसे सब कुछ चल रहा है इस वक्त पे, किस फ्रेम ऑफ माइंड में है टीम इंडिया भी और आप भी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा अभी तक रहा है, जिस तरह से स्टार्टिंग हुई 2019 की टेस्ट सीरीज जीते न्यूजीलैंड में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीते, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अच्छी सीरीज जा रही है, बहुत अच्छा खेले यहाँ पे। और बात करते हैं IPL की, IPL भी बहुत, दो महीने का IPL है, काफ़ी लंबी क्रिकेट है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो अभी से अभी तक का जो सफ़र है काफ़ी अच्छा रहा है और ये IPL दो महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि फिटनेस पे बहुत जोर रहेगा, क्योंकि उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने आप को फिट रखना, क्योंकि ये लंबा लंबा सीरीज़ है और उसके बाद वर्ल्ड कप मेन है। अच्छा, फिटनेस की जहाँ तक बात होती है, आपने इतना कमाल का एवोल्यूशन किया है पिछले 3-4 सालों से, मैं लगातार आपको देखता हुआ आ रहा हूँ। मतलब कुछ अगर आप स्पेसिफिक्स बताना चाहें जो युवा क्रिकेटर्स हैं खासतौर पर, क्योंकि हमारी ऑडियंस में कई खिलाड़ी, कई लोग ऐसे हैं, कई दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि यार फिटनेस की बड़ी हाय तौबा मची रहती है टीम इंडिया में, मतलब फिटनेस ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, मतलब होता क्या है? कुलदीप यादव क्या करते हैं खुद को फिट रखने के लिए? हम नहीं जानना चाह रहे कि विराट कोहली क्या करते हैं, लेकिन कुलदीप यादव क्या करते हैं?
फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप फिट रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और आप ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपके निकल आएगा। आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, प्लस आपका माइंड बहुत तेज़ चलेगा कि हाँ, आप किस कभी के डिफिकल्ट सिचुएशन आती हैं तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, ना कि आप थोड़ा, अगर थोड़ा फिटनेस नहीं रहेगी तो आप लूज़ कर जाएंगे या फिर लेजी हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादातर फिटनेस के लिए, बाबू सर हमारे ट्रेनर हैं तो मैं उनका प्रोग्राम फॉलो करता हूँ। एवरी सेकेंड डे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और ग्राउंड पे काफ़ी मेहनत होती है, रनिंग वगैरह जितने भी शॉर्ट ड्रिल्स वगैरह होती हैं, काफ़ी सारी ड्रिल्स हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं। और जब भी टाइम मिलता है, या फिर जिस दिन हमारी ट्रैवलिंग होती है उसके शाम को रिकवरी के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, शाम को 5 से 6 बजे, तो पूरा स्केड्यूल कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग करने का। कुलदीप, जिस तरह से अब एक हवा बन चुका है आपके नाम का, हर कोई कहता है जी पीटर हैंडसकॉम शतक मारने के बाद कहते हैं डर लगता है कुलदीप यादव से, उस्मान ख्वाजा उससे पहले शतक मारते हैं कहते हैं डर लगता है आपसे, ये जो हवा आपने बना रखा है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस जिस तरह का आपका चल रहा है, आप खुश हैं कि विरोधी डर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, उस लेवल पर आप पहुंच रहे हैं जहां आपने सोचा होगा कि मुझे जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, उस तरह से आप, मैं धीरे धीरे उस पर प्रोग्रेस पे हूँ। और बैट्समैन डर रहे हैं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उनको हर इनिंग में आउट करने की कोशिश करता हूँ, और जितने भी वनडे होते हैं उसमें मोस्टली 50-60% में उनको आउट करता हूँ। तो ये अचीवमेंट है मेरे लिए, और ये खुशी की बात है, क्योंकि आप एज ए स्पिनर अगर आप अपने बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं किसी भी यंगस्टर के लिए, तो आप किसी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं, उसको डिसीव कर सकते हैं टर्न में, या फिर जो भी आपके वेरिएशन है। प्लस बात रही अगर टेस्ट क्रिकेट की जो आपने पूछा, और वो हमेशा मेरा पहला प्यार है, और मैं उस पर, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कभी सेटल हुआ हूँ अभी, क्योंकि मुझे और भी मेहनत करनी है रेड बॉल से। और जितना 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 क्रिकेट खेलूँगा रेड बॉल से, उतना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उतना ही मैं अचीव करूँगा और उतना एक्सपीरियंस मैं गेन करूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में टेस्ट क्रिकेट बहुत होने वाली है, इसके बाद वर्ल्ड कप के बाद सीधा वेस्ट इंडीज़ टूर है, तो क्रिकेट बहुत है, और मेरा एम हमेशा रहेगा कि रेड बॉल से मैं हमेशा अच्छा करूँ। कपिल पांडे सर से बात करी थी मैंने, कह रहे थे कि इंग्लैंड से आया और उसके बाद यहाँ पर पहुंचा और कहा कम से कम 20 ओवर इससे डाले, 20 ओवर राउंड द स्टम्प डाले, 20 ओवर ओवर द स्टम्प डाले, इस तरह से गेंदबाजी कर रहा था और कुकु बुरा की गेंद पकड़ी। यानी एक प्रोएक्टिव प्लानिंग है कि मुझे जो भी अगली सीरीज खेलनी है, ये मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जा रहा हूँ आपको, कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे शायद वो जो लॉर्ड्स में हुआ उसके बाद आपको लगा होगा कि वो जो थोड़ी सी ग्रिप नहीं लगती है, या जिस तरह से चीज़ें गेंद का टप्पा भी शायद आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि गेंद को जब पकड़ते हैं तो कुछ अलग लगता होगा एसजी, कुकुबुरा और ड्यूक में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा मैंने ड्यूक से बॉलिंग की नहीं है, तो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मुझे नहीं लगता कि बॉल इतना फ़र्क डालता, क्योंकि मैं शायद मैं उतना तैयार नहीं था अपने आप को लेके। मैं सोचता था कि बहुत इजी थिंग्स हैं, क्योंकि मैं वनडे में अच्छा करके आ रहा था, तो मैं बहुत नॉर्मल था, और उतना अच्छा मैं फोकस नहीं था मेरा, और मैं हमेशा अपने आप को ब्लेम करता हूँ इस चीज़ को, कि मैंने अपनी तैयारी सही से नहीं की थी टेस्ट मैच के लिए। अगर मैं फुली जैसे प्रिपेयर्ड होकर मैं ऑस्ट्रेलिया टूर में गया था, अगर मैं वैसे ही जाता तो मैं शायद वहाँ भी 5 विकेट लेता। मैं वैसा था कि मेरा माइंड सेट अगर मैं उस प्रिपरेशन के साथ जाता तो मेरे लिए बहुत ईजी था। जब ऑस्ट्रेलिया, जब इंग्लैंड टूर से वापस आया, तो आपने बिल्कुल बोला, सही बोला, मैं सर के साथ, मैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट मैच खत्म हुआ, मुझे नींद नहीं आई 3 दिन मेरे साथ, मैंने सोचा मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मैंने सर से बात की, तो उन्होंने नॉर्मली बात की मेरे से, उन्होंने बोला कि वापस आएंगे तो हम काम करेंगे अपनी बॉलिंग पे। फिर मैं थर्ड टेस्ट मैच के बाद रिलीज़ हुआ, फिर यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही आई थी खेलने के लिए, तो वापस आया घर, तो एक हफ्ते तक मैंने सिर्फ बॉलिंग की है राउंड द विकेट। जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी लेफ्ट हैंडर को, और ज़्यादा लेग स्टंप पे जा रहा था, जो भी मेरे से हुआ था वो मैंने 7 दिन में वो मेहनत करके मैंने निकाले। मैंने उस टाइम बहुत प्रैक्टिस की थी, ज़्यादा मैं सोच रहा था बॉलिंग को, रेड बॉल को लेके। और फिर दूसरे गेम में 5 विकेट लिए आपने। फिर उसके बाद जब फर्स्ट टेस्ट मैच खेला ऑस्ट्रेलिया ए से, तो पहली इनिंग में मैंने ज़्यादा ऊपर ऊपर बॉलिंग की, क्योंकि मुझे आइडिया होना बहुत ज़रूरी था कि मैं कैसा बॉलिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट इनिंग मैंने ज़्यादा ऊपर बॉल की था, ड्राइव ज़्यादा पड़े मुझे। फिर उसके बाद जब सेकेंड इनिंग में थोड़ा सेटल होने लगा, फिर मुझे आइडिया आने लगा, 7-8 ओवर के बाद मुझे रिदम मेरा पकड़ा। मैंने फिर सेकेंड इनिंग में मुझे 2 विकेट निकाले थे, 4-5 विकेट लिए थे फर्स्ट टेस्ट मैच में। उसके बाद सेकेंड टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, फिर परफेक्ट हो रहा था सब कुछ, मैं जैसा चाह रहा था मुझे वैसा हो रहा था। 5 विकेट निकाले सेकेंड इनिंग में, 3 विकेट निकाले, फिर मैं तैयार था वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए। फिर मैं अपने आप को पूरे फुली प्रिपेयर था कि वेस्ट इंडीज़ आ रही है, और उसी बीच मैंने कुकाबुरा से भी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मुझे था ऑस्ट्रेलिया कि मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं अगर अच्छा करूंगा, मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। बहुत से टाइम मैं अंडर एस्टिमेट करता हूँ अपने आप को, बट एट द सेम टाइम कभी कभी मोटिवेट करता हूँ कि
वेस्ट इंडीज आ रही है, शायद मैं अच्छा करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे मौका मिले। अच्छा, इंग्लैंड की आपने बात की, वो दो शैंपेन की बोतल मिली थी आपको, क्या किया आपने, उनका संभाल के रखी है या पूरी नहीं टीम नहीं में नहीं बट गई? वो मुझे पता ही नहीं चली मेरे पास आई थी कि नहीं, वो मैं मुझे मिली किसी फोटो तो ने, आप ही ने खिंचाई थी? मैंने खिंचाई थी, पर फिर मीडिया मैनेजर ने यानी ले लिया, शायद आनंद ने, आनंद जी ने? आनंद आनंद जी ने, अरे उनको मैंने दे दिया था, फिर उसके बाद मुझे मिली नहीं वो। ये तो दिक्कत हो गई। अच्छा, आखिरी के दो सवाल। आईपीएल आ रहा है, मीडिया में इस बात की बहुत चर्चा है, एमएसके प्रसाद अभी आ रखे थे तो यू नो उनसे भी बातचीत हुई, और उससे पहले कप्तान विराट कोहली से भी बार बार ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से आईपीएल को मैनेज करेंगे खिलाड़ी, कहीं वर्ल्ड कप से पहले कोई इंजरी हो गई या थोड़ा सा फटीग इशू हुआ कि यार थक गए हैं खिलाड़ी। आपका क्या विचार है आईपीएल को लेके, कि आईपीएल आप पूरा खेलेंगे, आधा खेलेंगे, कुछ मैच में आराम लेंगे जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो? टीम इंडिया क्या सोच रही है आईपीएल के बारे में? यहाँ से अभी तक कोई रिजल्ट इसका अभी आया नहीं है, क्या मीडिया क्या मैनेजमेंट सोच रही है, पर ऑब्वियसली काफ़ी हैक्टिक रहता है आईपीएल। जितने साल भी मैंने क्रिकेट खेली है आईपीएल की, वो बहुत हैक्टिक होता है, उस पर रिकवरी में कम से कम 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि जब भी लास्ट ईयर मुझे याद है आईपीएल ख़त्म होते ही मेरा फिटनेस टेस्ट था 1 हफ्ते के बाद, तो फिटनेस टेस्ट में मुझे वो फील हो रहा था कि हाँ मैं उतना एफर्ट नहीं कर पा रहा जितना मैं अगर फिट यूयो होता। टेस्ट की आप बात कर रहे हाँ, हैं? यूयो टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आईपीएल, क्योंकि अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब रात के मैच होते हैं 8 बजे के, और लेट नाइट हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी स्लीप, अच्छा खाना और अच्छी ट्रेनिंग बहुत और इंपॉर्टेंट फिर है। अगले दिन ट्रैवल ट्रैवल और ज्यादा ट्रैवल हैक्टिक ट्रैवल होता बहुत हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि कोलकाता से सभी फ्लाइट कनेक्टिंग ज़्यादातर मिलती है। है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे मैनेज करते हैं। और मेरा तो एम रहेगा कि सारे मैच खेलूँ, 14 मैच है, और अपनी टीम के लिए खेलूँ और परफॉर्मेंस करूँ, अगर परफॉर्म करता रहूँगा तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं मोमेंटम कर के साथ जाऊंगा। मोमेंटम के साथ जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है स्पिनर मैनेज कर सकता है एज ए कम्पेयर टू बिल्कुल। फास्ट बॉलर या फिर बैट्समैन। बैट्समैन, जो भी हो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो अगर ऐसा नहीं है कि स्पिनर को लोड नहीं पड़ता, पर बहुत लोड पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम कोशिश करेंगे कि फिट रहें। ठीक। एक जो थोड़ी सी बहस चल निकली है इस बात को लेकर कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, आपका क्या विचार है? सीमा पे जो हो रहा है, सैनिक जो कह रहे हैं, और पाकिस्तान जो कह रहा है, पाकिस्तान ने तो ये जो आप लोग टोपी पहनकर निकले थे भारत इंडियन आर्मी की, उस इंडियन आर्मी की कैप को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि आईसीसी को शिकायत करनी चाहिए, पीसीबी को आईसीसी पे शिकायत करनी चाहिए कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर। इस पे मैं तो बहुत छोटा हूँ ये सब कमेंट करने के लिए, पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसी एट द सेम टाइम बीसीसीआई क्या डिसाइड करती है एक उस खिलाड़ी को पे। लेकर आपको खेल कर हराने का मन करता है पाकिस्तान को कि मैदान ऑब्वियसली पर उतरे और ऑब्वियसली हराए? हमेशा हमेशा से रहता है कि या कोई भी टीम और पाकिस्तान से खेलने में हमेशा हमेशा एक चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि अच्छी टीम है और अच्छी टीम को हराने में हमेशा मज़ा रहेगा, और जिस तरह से हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तान को हराने में बहुत मज़ा आता है। वर्ल्ड कप के लिए एक, अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहें कि वर्ल्ड कप के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग टीम इंडिया से, कुलदीप यादव से आखिरी सवाल है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, जिस तरह मैं परफॉर्मेंस करता चला आ रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं उसी तरह से कंटिन्यू रखूँ वर्ल्ड कप में और अपनी टीम को जिताऊँ। तो आप थे कुलदीप यादव, जिन्होंने निश्चित तौर पर विश्वास इस बात का दिया है कि वो अपना बेस्ट देंगे, टीम इंडिया अपना बेस्ट देगी, और उम्मीद कर सकते हैं कि 1983 में जिस लॉर्ड्स की बालकनी में मिस्टर कपिल देव ने प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप उठाया था 1983 में, वहां विराट कोहली 2019 का विश्व कप उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।